वैक्सीनेशन महाभियान के चलते 6,48,000 नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें भोपाल में 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट आज रखा गया है। यहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के डोजेस लगाए जाएंगे। बता दें कोवैक्सीन का दूसरा और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों डोज लगाया जाएगा। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले नागरिकों को 84 दिन के गैप में ही दूसरा डोज लगेगा। कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के गैप में लगेगा। वहीं आपको बता दें भोपाल के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि पहले से तय वैक्सीनेशन केंद्रों पर ऑनलाइन बुकिंग से बुक स्लॉट से ही टीके लगेंगे और इन केंद्रों पर 3 बजे के बाद उपलब्ध टीके ही ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर लगाए जाएंगे। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कॉलोनियों में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन लगाएगी। वहीं शहरी और ग्रामीण दोनों जगह 60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें 53,600 कोविशील्ड और 6,000 कोवैक्सीन लगाई जाएंगी। तो वैक्सीन लगाने वाले ध्यान दें, आज मध्य प्रदेश में 6,48,000 नागरिकों को वैक्सीन लगेगी और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया है जो सेंटर्स हैं वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उस पर ही वैक्सीन आपको लगाई जाएगी, लेकिन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो 3 बजे के बाद ये सुविधा आपको उपलब्ध होगी। तो मध्य प्रदेश में आज 6,48,000 नागरिकों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है।